हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक कविता। कविता का नाम क्या है? ना रहो ना निराश करो मन को। कविता का नाम है ना रहो ना निराश करो मन को। तो कविता के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा कवि परिचय जान लेते हैं। तो ना रहो ना निराश करो मन को कविता के कवि का नाम क्या है? मैथिली शरण बुद्ध। कविता का कवि का नाम क्या है? ना रहो ना निराश करो मन को कविता के कवि का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी कब पैदा हुए थे? मैथिली शरण गुप्त जी 1886 में 1886 में पैदा हुए थे। कहाँ पर पैदा हुए थे? झांसी के पास चीर गांव में। और उनका देहांत हो गया था 1964 को। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेद युग की कवि थे। द्विवेद युग का मतलब क्या है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों में बांटा गया है, चार युगों में बांटा गया है। एक हो गया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये जो चार हिस्सों में बांटा गया है उसमें से जो मैथिली शरण गुप्त थे वो आधुनिक युग के कवि थे। तो आधुनिक युग को भी कुछ हिस्सों में बांटा गया है, जैसे भारतदंड युग, द्विवेद युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, इसे बहुत सारे बांटा गया। तो मैथिली शरण गुप्त जी किस युग के कवि थे? आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेद युग के कवि थे। मैथिली शरण गुप्त को महावीर प्रसाद द्विवेदी का गाइडलाइन मिला था। उन्होंने गुप्त जी ने खड़ी बोली को, हिंदी के खड़ी बोली भाषा को उन्होंने अपने कविता का भाषा बनाया। मैथिली शरण गुप्त जी जब भारत पराधीन था तब उन्होंने कविता लिखना शुरू किया। जब भारत पराधीन था उसी समय उन्होंने कविता लिखना शुरू किया था, इसीलिए उनकी कविता में ज़्यादातर देश प्रेम की भावना, स्वराष्ट्र प्रेम की भावना देखने को मिलती है। उनकी ज़्यादातर कविताएँ, ज़्यादातर रचनाएँ ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर आधारित थे। मैथिली शरण गुप्त जी भारतीय संस्कृति के उपासक थे, इसलिए उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की छाप भी देखने को मिलता है। गुप्त जी जब जो जो कविता रचना किए है या उनकी रचनाओं में देशात्मक बोधक भावना देखने को मिलता है, राष्ट्रीय भावना देखने को मिलता है, इसलिए उनको राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। ये जो ना रहो ना निराश करो मन को, ये जो कविता है ये एक उपदेशात्मक कविता है। जो पराधीन भारत में लोग निराश हो चुके थे, कवि ने इस कविता के माध्यम से लोगों के मन में आशा का संचार किया है। हमारे जीवन में बहुत सारे बाधाएं आती रहेगी, मनुष्य के जीवन में बहुत सारे बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन मनुष्य को उसमें हार मानना नहीं चाहिए। उसको अपने कर्तव्य पथ की ओर, अपने कर्म पथ की ओर, अपने डेस्टिनेशन की ओर निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो ये ना रहो ना निराश करो मन को कविता के माध्यम से कवि ने लोगों को कुछ उपदेश दिए हैं। उपदेश दिए हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है ये बहुत दुर्लभ है। बहुत सारे तपस्या करने के बाद मनुष्य प्राणी को मनुष्य जन्म मिलता है। जो हम जो मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं, मनुष्य को निराश होकर अपने जीवन को बर्बाद करना नहीं चाहिए। इसलिए ये कविता के माध्यम से कवि ने किया उपदेश देते हैं लोगों को। पहला स्टांजा ये है, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ आओ, समझो जिसमें यह अर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। तो कभी क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य, ये जो मनुष्य जन्म तुझे मिला है ये बहुत दुर्लभ है। तुझे ये मनुष्य जन्म को बेकार जाने देना नहीं चाहिए। इसलिए तेरे जीवन में बहुत सारे बाधाएं आती रहेगी, लेकिन तुझे उससे कभी हार मानकर पीछे हटना नहीं
चाहिए। ये संसार में जन्म लिए हैं तो कुछ काम करो, ऐसे कुछ काम करो कि जैसे कि जिसमें तुम्हारा जग में ये संसार में तुम्हारा नाम हो, जिसके द्वारा ये संसार में तुम्हारा कुछ नाम हो। देखो कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, ये मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है, ये मनुष्य जन्म तुमको किसके लिए मिला है, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। इसलिए मनुष्य जन्म को कभी बेकार जाने मत देना, इसको व्यर्थ जाने मत देना, कुछ तो उपयुक्त करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। ये मनुष्य ये मनुष्य तू अपने मन को निराश न करके, अपने मन को उपयुक्त करके, सही सोच सही विचार रख के अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर, और जग में रहकर ऐसा कुछ काम कर कि जिसमें ये सारे संसार में तुम्हारा नाम हो। नेक्स्ट स्टैंजा है, संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जब को ना निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। दूसरे स्टैंजा में कभी क्या कहना चाहते हैं, कभी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन में सुयोग बार बार नहीं आता, तुम्हारे हाथ से सुयोग आकर चला जाए इससे पहले तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि मनुष्य जीवन में अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है। संभलो सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, क्योंकि जब सदुपाय सत्कर्म कभी बेकार नहीं जाते, हम जो अच्छे कर्म करते हैं, हम जो सत्कर्म कर जीवन में किया हुआ सत्कर्म कभी बेकार नहीं जाता है। इसलिए तू अपने सुयोग को कभी अपने हाथ से जाने मत देना, समझो जग को ना निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। ये जो जग ये संसार ये कोई झूठा सपना नहीं है, ये कोई मिथ्या सपना नहीं है। इसलिए तुम अपना पथ तुमको कहाँ तक जाना है, क्या करना है, क्या बनना है, ये पथ तुमको खुद आगे बढ़ाना पड़ेगा, तुमको खुद चुनना पड़ेगा कि तुम क्या कर पाओगे, तुमको कहाँ तक जाना है, तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा पथ को तुम खुद को चुनना पड़ेगा, तुमको खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जग ये जो संसार कोई झूठा सपना नहीं है, हे मनुष्य तुझे निराश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अखिलेश्वर है अवलंबन को, भगवान तुझे सहारा दे, अखिलेश्वर स्वयं भगवान तुझे सहारा देने के लिए है। इसलिए तू अपने मन को कभी निराश मत कर, और जग को कोई झूठा सपना या मिथ्या सपना मत समझ, और अपने हाथ से सुयोग ना जाए चला, यानी सुयोग चले जाने से पहले अपने मन को उपयुक्त करके अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए तैयार हो जा। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है, नीच गौरव का मित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित कान रहे, कुछ भी हो न तो जो निस्साधन को, न रहो न निराश करो मन को। हे मनुष्य, नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कहते हैं कभी, हे मनुष्य निज गौरव का मित ज्ञान रहे, कोई भी काम करने से पहले अपने गौरव का अपना सम्मान का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हमको कोई भी काम करने से पहले हमको अपना गौरव का अपने सम्मान का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, हम भी कुछ ये ध्यान रहे, और अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हम भी कभी अपने आप को निराश नहीं समझना चाहिए, अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए, हम भी कुछ ये ध्यान रहे, क्योंकि हम भी कुछ कर सकते हैं। अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना, सब चाहे अभी पर मान रहे, जीवन में सब कुछ चला जाए चलेगा, लेकिन अपना मान अपना सम्मान कभी होना नहीं चाहिए। ऐसा तुम कुछ काम मत करो कि जिसमें आप जिसके द्वारा आपका सम्मान आपका मान का हानि हो, ऐसा कुछ काम मत करो। मरने पर गुंजित गान रहे, और ऐसा कुछ काम करो कि जिसमें तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा नाम सारे संसार में गुंजित रहे, तुम्हारे मरने के बाद भी सारे संसार में तुम्हारा प्रशंसा होती रहे, ऐसा कुछ काम करो। कुछ भी हो तो जो निस्साधन को, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने साधन को अपने चेष्टा को कभी भी त्याग करना नहीं चाहिए, और मनुष्य को कभी भी निराश होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है, प्रभु ने तुमको करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न आहो, फिर है किसका यह दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को।
कभी क्या कहना चाहते हैं, कभी ये कहना चाहते हैं कि प्रभु ने, भगवान ने हमको काम करने के लिए दो दो हाथ दिए, प्रभु ने हमको काम करने के लिए दो दो, कर्म करने के लिए दो दो हाथ दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए, हमारे जीवन में जो जो आवश्यक चीज है, हमारे जीवन जीने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता है वो भी चीजों की व्यवस्था कराई, वांछित सब वांछित वस्तु विधान किए, सब चीजों की व्यवस्था हमारे लिए कराए हैं। तुम प्राप्त करो उनको ना आओ, फिर भी ये किसका दोष हो, और भगवान ने तुमको हाथ दिए हैं, सब वांछित वस्तु तुम्हारे लिए विधान किए, फिर भी अगर तुम उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे तो ये किसका दोष है, क्योंकि संसार में कोई भी चीज पाना असंभव नहीं है, किसी भी चीज की प्राप्त करना असंभव नहीं है। इसलिए हे मनुष्य, तू अपने मन को निराश न करके सदैव अपने कर्म पथ में अग्रसर रहा, अपने कर्तव्य पथ में अग्रसर रहा, और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश कर। यानी कि ये कविता के माध्यम से कभी लोगों को ये उपदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए। उसके जीवन में बहुत सारे बाधाएं आती रहेगी, लेकिन उसको निराश नहीं होकर निरंतर अपने कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर होना चाहिए।